वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने एंड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन देखी थी, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखे थे। हमने ये भी देखा था कि डायपोल के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होता है, दैट रेशियो इज 2:1। यस और नो? सेम क्लियर है? अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो आगे की बात पे आता हूं। अगला क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है, ड्राइव द रिलेशन फॉर द फोर्स एंड टॉर्क विच इज एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हेन दिस टॉर्क विल बी मैक्सिमम एंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला ऑफ टॉर्क डिफाइन डाइपोल मूवमेंट। भाड़ में जाए क्वेश्चन, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ पल्ले नहीं बढ़ रहा, राइट? गोली मारो, 10 मिनट बाद समझेंगे, ठीक है? सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बताऊंगा, तब भी समझ नहीं आएगा, फिर आंसर बताऊंगा, आंसर के बाद क्वेश्चन फिर से बोलूंगा, तब समझ में आएगा क्या क्वेश्चन है, ठीक है? आप पहले कुछ बेसिक बातें मुझे बता दो, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, राइट? है कोई माइकल लाल जो मुझे बता सके, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर। सब जानता हूं, जानकार हो मतलब, तो काय जा को मतलब, जे अगर मैं ऐसे बना दूं तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा अच्छा, मैंने सुना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है कि E बराबर फेंकू, ऐसा मैंने सुना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फेंके फेंके नहीं फेंके फेंके सीन क्लियर है? क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही सभी को? बताओ जरा, मैं बता चुका हूं। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना सिखाया था, जिस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होती थी वहां पर आप क्या अज्यूम करते थे? और मान के चलो अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जालंग फोर्स लग दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होती? अच्छा मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर तालंग फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज पर जालंग फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। अच्छा पॉजिटिव चार्ज पर जालंग फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जालंग होगी। तो काय अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर जालंग है तो जाकर तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है? जालंग लग रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जालंग है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा? जालंग लगेगा। यानी कहने का तात्पर्य यह कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा होगा तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, कितना? क्यू ई। कितना लगेगा? क्यू ई। समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है ना जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर की तरफ भी लगेगा। यस सर? और कितना लगेगा? फेंके एफ बराबर क्यू ई। और पॉजिटिव पे जब इधर लग रहा है तो नेगेटिव पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, एफ बराबर क्यू ई। बोलो भैया, जो बोला आपको पल्ले पड़ा? सीन क्लियर है? जल्दी से फटाफट अपने नोट्सों में ये वाला फिगर स्केच कर लें। पहले कर चुके हो क्या? कर चुके हो तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो कर लो, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 तक ऑलमोस्ट रोज जैसा लगेगा ये, राइट? क्लियर? पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव पे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्लियर? तो इसके बाद आगे बढ़ रहा हूं। यहां तक बात समझ में आई सभी को? यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, क्यों ही? नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। आगे बढ़ रहा हूं। ये मुझे बता सकते हो ये मैंने काय का पिक्चर बनाया है? इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या कंसीडर करते थे? 2L। जानते हो है ना? अच्छी बात है, इलेक्ट्रिक डायपोल भी आप जानते हो। डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? P is equal to Q into 2L। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आप सबको, है ना? अच्छी बात है, आप ये भी जानते हो। अच्छा बताना जरा मुझे, अगर सपोज करिए ये 2L है और ये थीटा है, तो मुझे बता सकते हो आप लोग ये कितना होगा? कोई बात नहीं, आप लोगों को इतना पता है ये 2L है ये थीटा है तो ये कितना होता है? cos थीटा। ये कितना होगा? 2L sin थीटा। आप बता, मैंने जे पूछिए तो जे जाके पैरेलल ही तो है, तो जे 2L sin थीटा तो जे 2L sin थीटा होगो नहीं होगो? होगो ना? यस और नो? सीन क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है सभी को जो भी कर रहा हूं वो? अच्छी बात है, अगर ये सब क्लियर है। एक दो फॉर्मूलाज और लिखा रहा हूँ, 11th में ये सब चीजें बहुत डिटेल में बताई जाती हैं, अब समय नहीं है तो इन शॉर्ट लिखा रहा हूँ, बहुत काम आएंगे आपको इसलिए लिख लेना 11th की कमियों में। बताओ जरा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, पढ़ा था आप लोगों ने 11th में? ये ऐसे पढ़ा होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, है ना? ऐसे भी लिख सकते हैं या मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, राइट? और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, ए बी साइन थीटा। क्लियर? इसे डॉट प्रोडक्ट बोलते थे, इसे क्रॉस प्रोडक्ट बोलते थे। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग एक और नाम बोलते थे, स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते थे? स्केलर प्रोडक्ट।
और क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश मैं यहां ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि 11th में ये सब बातें बताई जाती हैं, है ना। बाकी का इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ये बिल्कुल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, और इसे स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा, क्लियर। घोंट के बिल्कुल पी जाना है इसको। अब ये हम कैसे यूज करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे थोड़ी देर बाद अभी हम लोग एक रिलेशन प्रूव करेंगे, हमारा रिलेशन आएगा प्रूव करके टाऊ बराबर पीई साइन थीटा, ऐसा एक रिलेशन आएगा, राइट, टाऊ बराबर पीई साइन थीटा। अब किसी पट्टे ने मुझसे ये बोला कि इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखो, वेक्टर फॉर्म में लिखो, वेक्टर फॉर्म में लिखो, मतलब वो आपसे ये कहना चाहता है कि इसमें जो भी दिया है ना, तो जो जो वेक्टर क्वांटिटीज है उन्हें साफ साफ दिखाओ कि कौन सी वेक्टर है। और वेक्टर कोई होती है तो उसकी चांद पे एरो लगाते हैं, लगाते हैं, नहीं लगाते, लगाते हैं ना। तो आ जाओ भैया, अब मुझे दिख रहा है ये पी साइन थीटा है, ये वाला डिजाइन है, ये वाला डिजाइन है। जब ए बी साइन थीटा को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकता हूँ, तो पी साइन थीटा को पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, राइट। और ये इसका फॉर्मूला है, तो यहाँ ये लिख दूं। अब आप गौर से देखिएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट होता है, तो इससे हमें ये पता चला कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर जो क्वांटिटी मिलेगी वो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है तो आंसर वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। और इससे हमें ये पता चल गया कि ये जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी तो आप ही बताओ, इसके ऊपर एरो लगाऊं कि नहीं लगाऊं? हाँ लगाओ, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी इसके ऊपर ही एरो लगता है। अब जैसे 2-3 दिन बाद आपके सामने ये भी आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, इसी चैप्टर में आएगा, राइट। अब ये लिखा है, अब किसी ने बोला भैया इसे वेक्टर फॉर्म में लिखो, कौन से फॉर्म में लिखो? वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो भैया मुझे दिख रहा है ये वाला डिजाइन सेम टू यू है। बोले भैया जब मैं ए बी कॉस थीटा को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूं, तो ई ए कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यस ऑर नो? अब ये डॉट प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट होता है? स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये जो क्वांटिटी मिल रही है वो कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। तो आप बताओ जाके चांद पे एरो लगाऊं कि नहीं लगाऊं? तो कब एरो ना लग रहा हो, कब एरो लग रहा हो, तो समझ में आ रही है बात कैसे लग रहा है? इस तरीके से आपको यूज करना पड़ेगा इसको जगह जगह, समझ में आ रही है। कुछ दिनों बाद हमारे सामने एक और फॉर्मूला आएगा, यू बराबर माइनस पी कॉस थीटा। चलो किसी ने बोला इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो यू बराबर माइनस, अब आप देखो ये कौन सा डिजाइन है, ये वाला है, तो इसको इस फॉर्म में लिख दूं, क्या लिखूं बोलो? p वेक्टर डॉट e वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है, तो इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर होगी। तो इसके ऊपर एरो लगाऊं कि नहीं लगाऊं? नहीं लगाऊं। बात समझ में आ रही है? इससे मुझे पता चल गया ये स्केलर क्वांटिटी है, मुझे पता चल गया ये स्केलर क्वांटिटी है, मुझे पता चल गया ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो समझ गए किस तरीके से यूज होता है। तो जल्दी से फटाफट, जिन लोगों को पता है वेल एंड गुड, जिन्हें नहीं पता इसको नोट डाउन कर लें, ये आपको पूरी फिजिक्स में बार बार लगेगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, अगर यहां तक का पूरा नजारा क्लियर है तो अगली बात पे आता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। 11th पढ़ाया आपने, 11th में ये पढ़ाया जाता है टॉर्क, सुना है कभी जिंदगी में? हाँ, टॉर्क है ना, इसे कई बार हम लोग कपल भी बोलते हैं। लिसन एवरीवन, इसको समझने की कोशिश करिएगा, ये आड़ दिख रहे हैं तुम्हें, हड्डी 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 दिख रही है, कुत्ता जालंग खेच रहा 5 न्यूटन थे और बिल्ली जालंग खेच रही 5 न्यूटन थे, नेट फोर्स कितना है? जीरो। कितना है? जीरो। कुत्ता जालंग खेच रहा 5 न्यूटन थे, बिल्ली जालंग खेच रही 5 न्यूटन से, नेट फोर्स कितना है? जीरो। यहां पर नेट फोर्स जीरो है, क्लियर, लेकिन हड्डी वहीं की वहीं रहेगी। यहां पर नेट फोर्स जीरो है, 5-5 कैंसल आउट कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों फोर्सेस मिलकर एक कपल बना रहे हैं, पेयर ऑफ, कपल बोले तो पेयर ऑफ टू फोर्सेस, क्लियर। और डिटेल में बोलूं तो पेयर ऑफ टू इक्वल फोर्सेस, राइट। अब ये दोनों फोर्सेस, नेट फोर्स तो जीरो हो गया, लेकिन ये दोनों फोर्सेस मिलकर एक कपल बना रहे हैं जो इस हड्डी को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे घुमा रहे हैं या ऐसे घुमा रहे हैं? ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं। और कोई भी चीज अगर घूम रही है तो इसका मतलब उस पर टॉर्क लग रहा है। क्या लग रहा है? टॉर्क। कोई भी चीज अगर घूम रही है तो इसका मतलब उसमें टॉर्क लग रहा है। टॉर्क को हम लोग लेटर टाउ से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? टाउ से। ये टॉर्क का फॉर्म, टाउ, क्लियर। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है ना, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, समझ जाओगे ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ठीक है।
अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, यहां पर टॉर्क, या मैं बोल सकता हूं, मैं स्पेशली यहां कपल की बात कर रहा हूं, ठीक है? कपल, कपल इज द पेयर ऑफ टू फोर्सेस, ठीक है? तो यहां टॉर्क का जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। फिलहाल मैं ये गया भाड़ में, आप मुझे एक बार बताओ, एक दीवार ये रही, एक दीवार ये रही, मुझे इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, मैं क्या करूं? ये हो जाएगा, पर और कहा हुआ मैं बोला ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि इस दीवार के भी ये परपेंडिकुलर है, बोला भैया, और इस दीवार के भी ये परपेंडिकुलर है। कहा गलत कह दी मैंने, कुछ गलत कह दी? अच्छा बताना, एक दीवार ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे होगी? कैसे होगी जो तो को बता देगा, जहां हाथ का हो, कहानी तो आप है। एक दीवार ऐसे है और एक दीवार ऐसे है, मुझे इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, मैं क्या करूं? तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इसे ऐसे पीछे बढ़ा के यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं। आप बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी वारी है, जे वारी है कि जे वारी है? जे वारी है, क्योंकि इस दीवार से ये परपेंडिकुलर है और इस दीवार से भी ये परपेंडिकुलर ही है। बोलो भैया, अच्छी बात है, एक दीवार ऐसे है, एक दीवार ऐसे है, आप बताओ कैसे निकालूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस? इसे पीछे बढ़ा दूं, यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं, कौन सी वाली हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ये वाली, बोलो भैया। या फिर मान के चलो इसे थोड़ा यहां बढ़ा देता, यहां से परपेंडिकुलर डाल देता, बोलो भैया। यस सर नो, सीन क्लियर है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ गए? हाँ, तो बताना जरा मुझे, इसके और इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, मैं क्या करूं? इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा के ऐसे कर लूं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीवारी होगी कि जीवारी होगी? जीवारी होगी। सीन क्लियर है? अच्छी बात है, ठीक है, ये भी आप लोग समझते हो, बहुत सुंदर बात है। एक बात और बता दो, 11th पढ़ी थी आपने, 11th में बताया गया था आपको, और शायद आपने डोमेन रेंज पढ़ लिया होगा, मैथमेटिक्स में पढ़ लिया, मैथमेटिक्स डोमेन, फंक्शन लिमिट एंड कंटिन्यूटी एक टॉपिक पढ़ा होगा आपने, वहाँ डोमेन रेंज आपको पढ़ाया गया होगा, तो साइन थीटा की रेंज आपने पढ़ी होगी, ऐसे पढ़ाते हैं आपको, -1 1 ऐसे है, ये साइन थीटा की रेंज है। ये रेंज का मतलब क्या है? इस रेंज का मतलब बच्चों ये है, इस रेंज का मतलब ये है कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू होती है -1 होती है। क्लियर? तुम थीटा के बगल से कछु धर दो, 0, 50 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कुछ भी रख दो, थीटा की वैल्यू कुछ भी रख दो, आंसर कभी 1 से बड़ा नहीं आएगा। कोई बोले मैंने साइन फलाना डिग्री सॉल्व किया, मेरा आंसर 1.2 आया, आंख बंद करके बोल देना गलत है, क्योंकि 1 से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता, और इधर -1 से छोटा नहीं हो सकता। क्लियर है? अब कोई पूछे कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो भैया साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। क्लियर? कोई भी पूछे साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो क्या बोलोगे? 1, और मिनिमम वैल्यू -1। अच्छा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो 1 होती है वो कितने डिग्री पे होगी? तो मुझे मालूम है 1, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो समझ गया ना, साइन 90 पे ही तो 1 आता है, तो मैंने बोला साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो आप क्या बोलोगे? 1। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। कितने डिग्री पे होगी? क्योंकि साइन 90 तो 1 होता है। यस और नो? तो बोल रहा हूँ आपको, बल्ले पड़ रहा है, अच्छी बात है। और ये सब एक बार फिर से बता दूं, हालांकि मैंने बता दिया है, आप बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, अगर मैंने ये ए बोला और ये थीटा बोला, तो व्हाट अबाउट दिस? ए कॉस थीटा, समझ गया ना, बीच वाली लाइन जिस लाइन के साथ एंगल बनाती है वो कॉम्पोनेंट कॉस होता है, यानी इसे ए कॉस थीटा लिख दूं, और ये वाला ए साइन थीटा, ये सब बता चुका हूं मैं आपको, ये ए साइन थीटा है तो ये भी ए साइन थीटा ही हो जाएगा। बोलो भैया। यस सर नो? जो मैं बोल रहा हूँ आपको पल्ले पड़ रहा है, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला समझ में आया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ये 11th की कमी है जो दूर होनी चाहिए। अब आता हूं क्वेश्चन पे, ठीक है, रेडी एवरीवन? अब मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। सब लोग बोर्ड पे देखेंगे, कोई कहीं कुछ नहीं देखेगा, ठीक है? अच्छा मुझे जरा बताओ, जरा ये मैंने जो बनाया है वो क्या बनाया है ये बताना आपको, हाँ बताओ, व्हाट इज इट? कबूल ना पर रहो, इलेक्ट्रिक व्हील है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक व्हील, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक व्हील। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक व्हील में ये बताओ जरा, मैंने ये क्या रखा है? हियर आई हैव कैप्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट दिस डायपोल इज मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर?
यानी मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, यस और नो? डायपोल में दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस आप कितना लिखते थे? 2L, यानी आपके हिसाब से ये 2L है, क्यों? अच्छी बात, मैंने सुना है इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई प्लस क्यू चार्ज होता है तो उस पर फोर्स लगता है, किधर की तरफ? इधर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है कितना? क्यू ई। और नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है कितना? लगता है क्यू ई। मुझे बता सकते हैं आप लोग नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स कितना है? जीरो। यहां पर नेट फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू जीरो, बट बोथ ऑफ दीज फोर्सेस फॉर्म्स अ कपल, ये दोनों फोर्सेस मिलकर एक कपल बना रहे हैं, विच ट्राई टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डायपोल, हाँ, विच ट्राई टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डायपोल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इसका अंदर टॉर्क लग रहा है, पूछ रहा है कितना टॉर्क लग रहा है, पूछ रहा है कितना टॉर्क लग रहा है। तो भैया मैं ज्यादा पढ़ो लिखो ना, पर मैंने बचपन में मुझे ये पढ़ाया गया था, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? सभी लोगों को यहां तक बात समझ में आ रही है? तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ये मुझे पढ़ाया गया था, राइट? तो मैं निकालता हूं इसको, टॉर्क को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, ये तो जानते हो गए टाउ, कि जब मैं लिखवाऊं, ठीक है। फोर्स, फोर्स कितना लग रहा है? क्यू ई, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई एक फोर्स ले लेते हैं, तो क्यू ई इंटू, अब आप ध्यान दीजिएगा यहां पर मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, क्या चाहिए मुझे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। फिगर में देखो जरा, फोर्सेस कैसे हैं? ऐसे है, ऐसे है। अब ये फोर्स और ये फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, बताओ क्या करूं? बताओ भैया क्या करूं? बोलो क्या करूं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है दोनों फोर्सेस के बीच का, इसके और इसके बीच का, तो इसे थोड़ा पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं। अच्छी बात है, तो ये मैंने थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, राइट? क्लियर है? और यहां से एक बढ़िया बीआईपी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं। बोलो भैया, यस और नो? किसी को कोई दिक्कत? अच्छी बात है, तो आप गौर से देखिएगा, मुझे बता सकते हो, मैंने ये कल परसों ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बताई थी, तभी बताया था ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब आप बताओ ये थीटा है तो ये कितना होगा? आप ही बता दो, ये पूरा 2L है ना, ये 2L है, ये थीटा है, तो ये कितना हो गया? 2L cos थीटा, और ये वाला 2L sin थीटा। सब बता चुका हूं भैया, व्याल बोलो भैया, मुझे क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जे वाला है या जे वाला है? हैं? नहीं, जे वाला तो ठीक है, ए हैं या ए हैं? के हैं, क्लियर? ए हैं, क्या लिखता हूं? 2L sin थीटा, किसी को कोई दिक्कत? तो टाउ बराबर क्यू इंटू 2L क्या होता है? क्यू इंटू 2L पी। समझ में ही नहीं आया, फॉर्मूला बिल्कुल घोट के भी जाना, क्लियर? ये टॉक का रिलेशन आ गया, टाउ बराबर पी साइन थीटा। डेरिवेशन यह खत्म हो चुका है, लेकिन अगर किसी पट्टे ने मुझसे बोला कि भैया इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, कौन से फॉर्म में लिखो? वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो अगर किसी ने बोला वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो गौर से देखिएगा आप लोग, वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखने जा रहे हैं, तो यारो मुझे बचपन में पढ़ाया गया था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा। अवाल बचपन आओ तो ना, दो मिनट पहले जब मैं ए वेक्टर, ये बराबर है यार, समझ गए ना मेरी बात को? क्लियर? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। जब मैं ए बी साइन थीटा को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकता हूं, तो बताओ पी साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट को कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये जो क्वांटिटी मिल रही है वो वेक्टर है या स्केलर है? तो इसलिए मैंने एरो उड़ा दिया, नहीं यही बात समझ। वेक्टर फॉर्म में बोले तो लिखो, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड, सीन क्लियर है? आगे सुनिए, आगे वो पूछ रहा है ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। तो चलिए देखते हैं ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, ठीक है ना? सब लोग समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखेंगे हम लोग, है ना? तो इसको समझने के लिए आप थोड़ा ऐसे समझो, मैं कुछ लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान देना, यहां लिख रहा हूं, पढ़ो इसको जरा क्या लिखा है। मेरी जेब में पैसे, क्या?
ये मेरी जेब में पैसे, मेरी जेब में पैसे इज इक्वल टू टू इंटू आपकी जेब में पैसे। बोलो भैया, मान के चलो आपकी जेब में 2 रुपए हैं तो मेरी जेब में 4। यस और नो? अबे आपकी जेब में 2 रुपए तो मेरी जेब में कितने होंगे? 4 होंगे। दूंगा एक रह बढ़ जाना क्लियर। एक कैसे होगा? मैंने क्या बोला, आपकी जेब में पैसे कितने हैं? 2 रुपए। तो यहाँ आपकी जेब में पैसे की जगह 2 रखोगे तो 2 × 2 = 4 हो जाएंगे ना। नहीं यही बात समझ में, सीन क्लियर है? अगर मैंने बोला आपकी जेब में 10 रुपए हैं तो मेरी जेब में, आपकी जेब में 50 रुपए हैं तो मेरी जेब में, आपकी जेब में 10 लाख रुपए हैं, हाँ मेरी जेब में, क्लियर। अगर मैं चाहता हूं, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी जेब में पैसे ज्यादा से ज्यादा हो तो ऐसा कब होगा? जब आपकी जेब में पैसे ज्यादा से ज्यादा हो तो मैं चाहूंगा आप लोग दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें। यस और नो? क्योंकि आपकी तरक्की मेरी तरक्की, यस और नो? है ना? तो ये मैक्सिमम तभी होगा जब ये मैक्सिमम। इन द सेम वे अगर मैं टॉर्क मैक्सिमम चाहता हूं तो ये मैक्सिमम तभी होगा जब ये मैक्सिमम। बोलो भैया, अब ये मैक्सिमम कितना होता है? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। 1 कितने डिग्री पे होता है? 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ लिख दूंगा इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो थीटा की जगह 90 चटकाऊंगा तो ये पाऊंगा, पाऊंगा नहीं पाऊंगा, पी साइन 90। बोलो भैया, साइन 90 हो गया 1, तो ये हो गया हमारा टाउ मैक्सिमम। लिख दूं मैक्सिमम, मैक्सिमम क्यों लिखा है समझ गए? पका? तो टाउ मैक्सिमम बराबर पी कैसे आ गया? उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, गौर से देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, अगली बात करता हूं, है ना? सब लोग ध्यान से देखो। जी न्यारो, चलो हटो। लिसन एवरीवन, आगे मुझसे बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, जीरो फॉर्मूला टॉर्क को, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला ऑफ टॉर्क डिफाइन डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? पी से। मतलब पठन ने मोते यो कही है कि भैया ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला, क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला ही इज टेलिंग यू डिफाइन डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट यानी यानी पी की डेफिनेशन देनी है, और डेफिनेशन तो अपन ने अच्छे अच्छे की बना दी, क्लियर। तो आओ जो की बनाए, किसी भी डेफिनेशन को बनाने के लिए हम चीजों को अक्सर 1 1 1 मान लिया करते हैं। अच्छा ध्यान रखो, कईयों टेस्ट हुए ऐसे होते हैं, उसने बोला ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला ऑफ टॉर्क डिफाइन डायपोल मूवमेंट, तो भाई ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला ऑफ टॉर्क है तो भूल जाते हैं, बस डिफाइन डायपोल मूवमेंट तो लिखा, डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज प्रेजेंट इन द डायपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस, जीवारी लिखे आते हैं, और सामने वालों को इग्नोर कर दो, बोले ठीक है चल जा कुड़िया, क्लियर, क्रॉस मार देगा वो, क्योंकि उसने क्वेश्चन में साफ बोला है इस फॉर्मूले के आधार पर आपको डायपोल मूवमेंट बताना है। तो मैं बता रहा हूं, सुनूंगा ध्यान रखना, इसलिए ध्यान से देख लेना, ठीक है, चलो आओ। अच्छा डेफिनेशन बनानी तो चीजों को 1 1 1 मान लिया जाते हैं, मान लेते नहीं मान लेते, ई तो ई बराबर मैंने दई 1 N/C, इसका मतलब मैं यहां पर क्या कंसीडर कर रहा हूं, यही वाला फिगर दोबारा बना रहा हूं, है ना, ये मैंने क्या ले लिया, बोलोगे नहीं भाई, बोलोगे नहीं, ये मैंने कहा ले लो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट इंटेंसिटी, क्या है ये, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट इंटेंसिटी। यूनिट इंटेंसिटी का मतलब 1 N/C का इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं बात, या तो ऐसे बोल दो दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 1 N/C, या फिर आप इसे ऐसे बोल दो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट इंटेंसिटी, एक ही बात है, क्लियर है, काहुआ को परेशानी। चलो ई बराबर तो 1 दद दो, अब जहां साइन थीटा की जगह 1 लानो तो तुम्हें थीटा कितने धनो पड़ेगा, थीटा बराबर 90 दद देंगे। अब आप देखो थीटा यही तो बनना था डायपोल का, अब मुझे थीटा 90 करना है तो क्या करना था, डायपोल ऐसे धनो पड़ेगा, धन्नो पर नहीं धन्नो पर। बोलो भैया, तुमने डायपोल कायम में धरवाए हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में धरवाए कि यूनिट इंटेंसिटी के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में धरवाए, कहा धरवाए, कैसे धरवाए, परपेंडिकुलर रखा है। यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को, यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिट इंटेंसिटी के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा है, ठीक है, चलते भाई पंखा में तुम्हें धर दूं
तो कछु लगेगा तुम पे? ऐसे ही इस इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिट इंटेंसिटी के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो तुरंत जैसे ही रखूंगा जालंग एक फोर, जालंग एक फोर, तो ये रमकन लगेगा, यानी यहाँ पे कहा लगन लगो टॉर्क लगन लगो टॉर्क, नेट फोर्स तो जीरो है ना, क्यूई क्यूई जीरो, लेकिन दोनों मिला के क्या कर रहे हैं, इसे घुमा रहे हैं, यानी टॉर्क लग रहा है। बोले भैया अच्छा थीटा बराबर 90 था, देखो साइन 90 एक, और चूंकि थीटा 90 रखा है तो 90 पे तो टाउ कैसा होता है, मैक्सिमम होता नहीं होता पी, आप बताओ ई की जगह वन लिखूं, क्योंकि वन को मल्टीप्लाई पी दे हो तो पी है, जाओ या नहीं है, जाओ थीटा 90 रखेंगे साइन 90 वन, वन का मल्टीप्लाई पी से होगा, पी हो जाएगा। बोलो भैया लिसन एवरीवन, डेफिनेशन सुनिएगा ध्यान से, जब किसी ये रहा ये अभी ये मान के चलो यहाँ रखा ही नहीं है, ये रहा ये रहा मेरे हाथ में है ना, जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिट इंटेंसिटी के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा जाता है, इसकी बात कर दी है ना, अब धत्तो दो जहाँ पे का लगेगो तो बस जितना मैक्सिमम टॉर्क लगता है उसी को डायपोल मूवमेंट कहते हैं। जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिट इंटेंसिटी के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा जाता है तब उस पर जितना मैक्सिमम टॉर्क लगता है उसे डायपोल मूवमेंट कहते हैं। नहीं यही बात समझ में, क्लियर बात समझ में आ रही है? जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिट इंटेंसिटी के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री के एंगल पे रखा जाता है तब उस पर जितना मैक्सिमम टॉर्क लगता है उसे डायपोल मूवमेंट कहते हैं। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत, बात समझ में आई? कोई बच्चा न्यू कमर्स नहीं समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो मन से बनाओ समझो, क्लियर। व्हेन वी टेक एन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 1 न्यूटन पर कूलम, लेट दिस डायपोल इज कैप्ड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, देन द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज कॉल्ड डायपोल मूवमेंट। गलत थोड़ी, सही है, 100% करेक्ट है, क्लियर है? पढ़ना है समझना है अपनी भाषा में लिखना है। अगेन आई रिपीट, when an electric dipole is capped in an uniform electric field of unit intensity in perpendicular direction then the maximum torque acting on it is called dipole movement, clear? Or you can say the dipole movement of an electric dipole is equal to the maximum torque, the dipole movement of an electric dipole is equal to the maximum torque which is acting on it, kab? When it is placed in the uniform electric field of unit intensity at an angle of 90 डिग्री, डायपोल मूवमेंट उस मैक्सिमम टॉर्क के बराबर होता है। कौन से मैक्सिमम टॉर्क के बराबर? जो इलेक्ट्रिक डायपोल पर लगता है। कब लगता है? जब उसे यूनिट इंटेंसिटी के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है। द डायपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज इक्वल टू द मैक्सिमम टॉर्क व्हिच इज एक्टिंग ऑन इट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट इंटेंसिटी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, क्लियर है? नहीं यही बात समझ में? आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट इंटेंसिटी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री देन द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज कॉल्ड डायपोल मूवमेंट। जीवारी अच्छी लग रही होगी ना, मालूम है मुझे, क्लियर है? जल्दी से फटाफट अब सुन लो, एक बार लास्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं, अब आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। वो बोल रहा है उंगली पे नजर रखना, क्लियर? ड्राइव द रिलेशन फॉर द फोर्स, आगे नेट फोर्स जीरो, ड्राइव द रिलेशन फॉर द फोर्स एंड टॉर्क which is acting on an electric dipole when it is placed in the uniform electric field. Also write this formula in vector form and when this torque will be maximum and on the basis of formula of torque define dipole moment. Clear है? नहीं यही बात समझ में? दो से तीन मिनट का समय दिया, तसल्ली से देख लें फटाफट। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।